नमस्कार श्रोता मित्र, अखन हम सब सरलाही के चक्रघाटा गाँवपालिका में छी और अखन के जे खास करके जे स्थानीय तह के निर्वाचन भेल छै ओकर बाद हम सब जे आई हम सब सरलाही के चक्रघाटा गाँवपालिका में छी। एहिठाम जे नया जनप्रतिनिधि के रूप में भारी बहुमत के साथ जे कम तो सरलाही जिले में ही सबसे ज्यादा मत अंतरान से जीते वाला जे छथिन कृष्ण कुमार यादव जी, हुनका सबसे पहले हुनका से कार्यक्रम में हम सब स्वागत करें। धन्यवाद। सबसे पहले मेयर साहब के बहुत बहुत बधाई देवे के चाहम कि तो अपने जे बहुत मत अंतराल से अपने विजय हासिल केले छी, अपने के एक तरफी जीत छै, तो तै के लेल सबसे पहले अपने के बहुत बहुत बधाई देवे के चाहे छी और खास करके जे अपने जे एहिठाम राजनीतिक में अपने के आबे के एहिठाम पालिका में जे अपने जीतल छी से आबे के अपने के मकसद की रहे। सबसे पहले तो हम सब श्रोतागण से सब श्रोतागण में अपन तरफ से नमस्कार करे चाहब। राजनीति में आवे के मूल जे हमरा विचार जे कैली कि अपना समाज में बहुत ज्यादे उत्पीड़न में समाज, शिक्षा होए, स्वास्थ्य होए, पूर्वाधार होए, बेरोजगारी होए और इस सब पर ज्यादे करके हमरा दिखाई दिलक कि बहुत कमी कमजोरी अभी हमरा समाज में जनप्रतिनिधि के द्वारा या कर्मचारी द्वारा जो है वाला भ्रष्टाचारी के हम सब न्यूनीकरण करे के हिसाब से हम कहली कि एक कम करब तो विजन से हम यही राजनीति में अगारी कदम बढ़ेले जी। और के तो अपने के इहो जान चाहम के तो अपने के एक जन लहर अपने प्रति रहे अपने निश्चित रूप में ऐसे पहले भी अपने राजनीतिक में निश्चित रूप में सक्रिय छली कि केना जी। 2064 साल में हम सब थोड़ा सा शुरुआती अवस्था रही संविधान सभा चुनाव में, ओहि के बाद निरंतर हम सब जनसेवा में लगल के लगले रह गेली। 2074 साल के चुनाव में हम बहुत कम अंतर से चुनाव यहाँ हार गेली, 68 मत से चुनाव हारली, हमसे ज्यादा मत से न चुनाव हारली। ओहि के बावजूद हम सब हमर संगठन निरंतर जे जनप्रतिनिधि जीतल रही तहू से ज्यादा बढ़ के काम कैलिए, सबके साथ एगो आदर भाव से विचार आ व्यवहार करते गए, तेकर परिणाम ही कि आई हम सब आई मुकाम पर पहुँच लिए जी। और अपने निश्चित रूप में किया तो जनता के लहर अ पाली अपने के पक्ष में रही, किया तो अपने निरंतर हारला के बाद भी 2074 साल के चुनाव में ओकरा बाद भी अपने संघर्ष के लिए जनता के काज के लिए जनता आब मुदा जे ऐसे पहले अपने जे जनता के काज के लिए तो वहाँ अपन दायित्व अपन अथी के हिसाब से कैली, लेकिन अखन अहाँ के जनता बहुत बड़का दायित्व बना दिले और जनता अहाँ के चक्रघाटा गाँवपालिका के प्रमुख के रूप में जे मतदान के अहाँ के विजयी बनेले छै, तऽ एहिठाम के जे प्रमुख समस्या सब की छै और अपने एहि प्रति की कह। बिल्कुल बधाई के पात्र रही चक्रटा के जनता कि एक होरो एक तरफा मत देलकै, बहुत ज्यादे विश्वास कल के हमरा साथे, इतने भरोसा कल कि मत अंतरे से अंदाज करते सब आदमी कैले हतन, एहि विश्वास के जते अंतर से हमरा पर विश्वास के भरोसा के जे अथी बनेलन हँ, हम चाहै छी कि अइ भरोसा के विश्वास के हम उनका साथे थोड़ा सा और बढ़ के करी, उनकर भरोसा न टूटे दी, विश्वास न टूटे दी। ओहि क्रम में हमरा करे वाला काम मध्य सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देले छी काम में स्वास्थ्य आ शिक्षा के, जरूरत तो हालांकि सब चीज के है लेकिन यहाँ जान रहती तो के बाद दोसर कुछ कैल जेतै, ते लेल पहले स्वास्थ्य, ओहि के बाद शिक्षा में पूर्वाधार के अवस्था तो यहाँ जर्जरे है, कुछ हैये ना है, सड़क अगर ये सब कोई व्यवस्थित हैये ना, अभी तक कुछ विकास न भेली से कहबी तैयो होते, यहाँ बजट सब साल विनियोजन होते बजट खर्च होते लेकिन विकास के नाम में जीरो है चक्रघटा। अभियो यही चालू आब में चक्रघटा लगभग लगभग जीरो बैलेंस पर है, ये चालू आब हम सब कुछ न कर सकते हैं, आए वाला ही बजट में हम सब इस सारा चीज के विनियोजन करबे, ते लेल हम सब फर्स्ट अथी जे कहले छी तब स्वास्थ्य में पहले एम्बुलेंस के आवश्यकता है, स्वास्थ्य कर्मी के सब व्यवस्थापन पूर्वाधार में ओकरा जब भवन वगैरह के कमी कमजोरी तेकर व्यवस्थापन करबै, शैक्षिक व्यवस्था में अब नेपाल सरकार से शिक्षक सबके तो कमी कमजोरी है ही न पुग रही, हम सब स्थानीय तौर से ओकर व्यवस्थापन करके पठन पाठन
कहे के लेल ई भेल कि नमूना विद्यालय बनाबे के सोच रहल छी हमरा अपना ई कार्यकाल में चक्रघट्टा में विद्यालय जैसे नमूना विद्यालय के रूप में दिखाई देवे से हम एगो अथी लेके बढ़ रहल छी गाड़ी। कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा आए वाला चीज बाहेक स्थानीय सरकार से जते चीज होय वाला हरदम ओ चीज हम पूरा करे के प्रयास में रहबे। अभी तक लेके दिखाई देवे में तीन गो ई चार गो जही से मूलभूत हमरा दिखाई देलक ज्यादा, हालांकि जरूरत सब चीज के है वही चीज पर ध्यान दिलते विषयगत बजट विनियोजन होबे करते, लेकिन अई तरफ खास करके थोड़ा तंगा बढ़ा के हम सब कला कृषि से सब लोग जुड़ल है, आय अर्जन के स्रोत तो वही है हमरा सबके, ओहू पर हमरा ध्यान दे के बढ़िया से चले पड़ते। इस तरफ हम सब ज्यादा बजट के अथी करे के प्रयास में छी आय वाला। निश्चित रूप में श्रोता मित्र अखन हम सब सरलाही के चक्रघटा गाँवपालिका में छी, जैठाम हम सब चक्रघटा गाँवपालिका प्रमुख कृष्ण कुमार यादव जी से हम सब बातचीत कर रहल छी। श्रोता मित्र कार्यक्रम के साथ में छी हम कार्यक्रम संचालक रामनयन शाह, संगे जे अमेर साहब अपने से ई जानय चाहब कि एतः अब नगर सभा होय वाला छै और ई अपने के पहिल नगर सभा रहतै अपने के, तऽ अइ में फर्स्ट बेर में अपने अइठाम कोन कोन चीज के विशेष प्राथमिकता के साथ लागू करय वाला छी? एहिमे तऽ सारा चीज समटे के हमरा है ई नगर सभा में, हमर पहिल नगर सभा है, एगो बढ़िया से बढ़िया मैसेज जाए, बढ़िया काम के हम सब अभी तो पूरा के पूरा तैयारी में लागल छी। अभी तो पूरा कहल ना जाते, हालांकि हमरा सबके अयला मोटा मोटी 15-20 दिन भेलै अभी तक ले, 15-20 दिन में कुछ और काम काज रही से देख लिए, प्रशासनिक देख लिए, यहाँ के कर्मचारी के सारा देख लिए, अव्यवस्थित रही टोटल के टोटल, वही सारा चीज के सुधारित अभी हम तैयारी में लागल छी। ओहिमे प्रमुख एजेंडा सब हमरा सबके जे कहलिए से है, ओहि के बाद विषयगत जे अबै छै ओहि सबके भी हम सब कहे के मतलब ईमानदारी साथ जे है ईमानदारी साथ प्रस्तुत करबै अपना ई नीति कार्यक्रम में परिषद में जी। और निश्चित रूप में हम सब कार्यक्रम के अंत में अपने से जे कार्यक्रम के माध्यम से जे श्रोता मित्र ऑनलाइन के माध्यम से रेडियो मलंगवा के माध्यम से, रेडियो मलंगवा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जे सब लाइव देख रहल छथिन हुनका सबके अपने कार्यक्रम के मार्फत से की संदेश छोड़े चाहबे? उनका एके वो चीज कहे चाहबे, बधाई ही उनका सबके आ धन्यवाद भी देवे चाहबे। अपने संपूर्ण आदमी आई चक्रघटा के अध्यक्ष के हैसियत से महसूस करबी कि हमहू छी अध्यक्ष, कैला कि अपने सबके संपूर्ण राय सलाह संकलन कैला के बाद हम कोनो कदम अगारी बढ़बै से कहे साहब जी जी। और मेयर साहब अपने कार्यक्रम में हमरा सबके समय देली तै के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।